क्या मामला है आप लोग क्यों यहाँ? मामला ये है कि रेड पॉइंट का रोड चार्ट बना हुआ है बुलंद चौक सरयू नगरी होते हुए, और यहाँ के जो लेबर मेट है और उच्च स्तरीय पदाधिकारी के मिली भगत से रूट को चेंज करके नागेश्वर स्थान बसंत चौक होते हुए गाड़ी चला जाता है सिर्फ मिली भगत से, ज्यादा से ज्यादा माल ढुआए और ज्यादा से ज्यादा यहाँ आय का स्रोत बने और कमीशन खोरी बढ़े। यहाँ पे आम जनता जितने भी हैं, किन्हीं से पूछिए आप लोग, कितने गरीब के बच्चा यहाँ रोड पे आते हैं रहते हैं, गाड़ी वाला सब आता है अंधाधुन चलाता है, जितना गाड़ी चल रहा है उसका जाँच हो तो एक गाड़ी का पेपर ट्यू टाइप नहीं मिलेगा, और यहाँ जितना भी आम जनता है सब इससे पूरा एकदम रोगी बन गए हुए हैं, दम्मा का पेशेंट बन गए हुए हैं, टीबी का पेशेंट बन गए हुए हैं, इस सिर्फ और सिर्फ रेड पॉइंट के ट्रेलर के कारण मनमानी तरीके से यहाँ चलाया जाता है, नीचे से ऊपर तक सारा पदाधिकारी का मिली सरकार है, और आम जनता का आवाज कोई नहीं बनने जा रहा है, आम जनता की आवाज कोई नहीं, जितना जनप्रतिनिधि है सब बनता है आता है माल लेकर के घर में बैठ जाता है, यहाँ बस यही रवैया है। आप आम जनता से भी बाइक ले ले पढ़ने के लिए स्कूल में, क्या नाम है आपका? क्या नाम? राजकुमार गुप्ता जी, बताइए क्या परेशानी? बच्चे लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, जाने में डिस्टर्ब होता है, पीछे पर गाड़ी लगा देता है, बच्चे लोग डर के भागते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी लोग हंगामा किए हुए हैं, और जैसा कि आपको मैं दिखा दूं अपने दर्शकों को, ये भी बता दूं कि रात के 11 बजे तक चला जाता है, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चला जाता है। आप लोग बताएं कि आम जीवन यहाँ खतरे में है कि नहीं है, बस ये हाथ जोड़ के विनती करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इस रोड पे यहाँ सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर लगे हुए हैं, और मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए आप, पूरा बसंत चौक से नागेश्वर स्थान रजिस्ट्री ऑफिस तक अभी ये ट्रैक्टरों का लाइन लगा हुआ है। इस हालात में लोगों का आना जाना दुभर हो गया है, शहर के बीचों बीच ये जगह है, ये देखिए आप लोगों की भीड़ है। यहाँ पे हम कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या क्या परेशानी हो रही है। टेलर के डर है। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? टेलर इतना चलता है ना, जो हम अपना भतीजा को पास खाना में ले आते हैं स्कूल छोड़ने के लिए, आने जाने में लोगों को परेशानी होती है, यहाँ पर बैठना मुश्किल है, क्या समझे। अभी रोड साइड के तो दुकानदार सब को यही दशा है जी, आप देख सकते हैं क्या करें, लोगों की भीड़ है। ये रैक पॉइंट का ट्रैक्टर है जिसके परिचालन की वजह से यहाँ पे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है, और जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जैसा कि अभी अभी मुझे मालूम हुआ है कि एक बच्ची का एक्सीडेंट भी हुआ है, क्या किसी को आप में से है पता? केला मंडी में एक बच्ची के ऊपर ट्रैक्टर चला दिया गया है, और नीचे से ऊपर तक सभी मिली जुली सरकार के कारण टेलर और ड्राइवर को उठा के थाना में ले जाया गया है, और वो पेशेंट के साथ कोई पदाधिकारी कोई प्रशासन खड़ा नहीं है, इसीलिए पुपरी प्रशासन मुर्दाबाद, पुपरी प्रशासन मुर्दाबाद, पुपरी रैक पॉइंट मुर्दाबाद, मिली जुली सरकार मुर्दाबाद। जी, जो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लोग काफी आक्रोशित हैं, इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो रैक पॉइंट है उसके द्वारा सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, बच्चे और बूढ़े लोगों को चलने में परेशानी होती है, और ये शहर के बीचों बीच ये ट्रैक्टरों का परिचालन कराना कहीं से उचित नहीं लगता है। मैं टिपू टार्जन पुपरी न्यूज के लिए, पुपरी न्यूज के दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ देखिए लगातार ट्रैक्टरों का तांता लगा हुआ है, इन्हीं वजहों से यहाँ के लोग आक्रोशित होते हैं, और तरह तरह की बार बार घटनाएं होती रहती है। ये देखिए अभी सैकड़ों की तादाद में यहाँ से ट्रैक्टर गुजरेंगे,